एक दिन एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, बुद्ध, मैं एक साधारण किसान हूँ। बीज बोकर, हल चलाकर अनाज उत्पन्न करता हूँ और तब उसे ग्रहण करता हूँ, किंतु इससे मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मेरे खेत में अमरत्व के फल उत्पन्न हो। आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए जिससे मेरे खेत में अमरत्व के फल उत्पन्न होने लगे। उसकी बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भोले व्यक्ति, तुम्हें अमरत्व का फल तो अवश्य मिल सकता है, परंतु इसके लिए तुम्हें खेत में बीज न बोकर अपने मन में बीज बोने होंगे। यह सुनकर किसान हैरान हुआ। वह बोला, प्रभु, आप यह क्या कह रहे हैं? भला मन में बीज बोकर भी फल प्राप्त हो सकती है? तब बुद्ध बताते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और इन बीजों से तुम्हें जो फल प्राप्त होंगे वे साधारण फल न होकर अद्भुत होंगे, जो तुम्हारे जीवन को भी सफल बनाएंगे और तुम्हें एक नई ऊर्जा के साथ जीने की राह दिखाएंगे। किसान आनंद में गदगद होकर कहने लगा, प्रभु, तब तो मुझे ये बताने की कृपा करें कि मैं किस तरह से मन में बीज बोऊं। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, तुम मन में विश्वास के बीज बो, विवेक का हल चलाओ, ज्ञान के जल से उसे सींचो और उसमें नम्रता का हाथ डालो। इससे तुम्हें अमरत्व का फल प्राप्त होगा। उसे खाकर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें असीम शांति का अनुभव प्राप्त होगा। बुद्ध से अमरत्व के फल की प्राप्ति की बात सुनकर किसान की आंख खुल गई। वह समझ गया कि अमरत्व का फल सद्विचारों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यह छोटी सी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी कार्य में सिद्धि तभी होगी जब वह कार्य विश्वास व ज्ञान के साथ विवेक से नम्रता पूर्वक किया जाए। इसे अमरत्व का फल भी कहा जा सकता है। किसी न किसी तरह यही दूर दूर तक आपकी कीर्ति को कायम रखता है।